अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ फिश पकौड़ा। मेरे पास है 3 किलो मछली, जिसको मैंने आटा और नमक लगा के 15 मिनट रेस्ट देने के बाद इसको धो लिया है और इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब इसको हम करेंगे मसालों के साथ मैरिनेट। सबसे पहले मैं इसको कट लगाऊंगी इस तरह कि इसके अंदर मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। गहरे गहरे कट लगाने हैं। उल्टी साइड से भी लगा सकते हैं। मछली को मैंने कट्स लगा ली हैं। अब हम करेंगे इसके साइड पे। एक मैंने बोल ले लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून दही, 3 टेबलस्पून इसके अंदर बेसन डाल रही हूँ मैं, 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पीसी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 लेमन जूस। मैं फ़िश पकौड़ा थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, इसलिए 1 टीस्पून कुटा हुई लाल मिर्च। अब इसे करेंगे मिक्स। अगर आपका मसाला थोड़ा सा थिक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा पानी शामिल कर लें। इसको हमने पेस्ट की शक्ल में तैयार करना है। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है कि मसाला इस तरह की पेस्ट में तैयार हो जाए। अब हमने क्या करना है, ये फिश के ऊपर सारा मसाला डाल देना है। अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह लगाऊंगी फिश में कि ये अंदर तक गहराई तक लगते रहें। कट्स में लगा लें इस तरह। मछली को मैंने मसाला अच्छे तरीके से लगा दिया। अब मैं इसको रखूंगी तकरीबन 3 घंटे के लिए रेस्ट पे, फ्रिज में रख दूंगी। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे आधे घंटे बाद भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको फ़िश का अच्छा टेस्ट और अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप इसे तकरीबन ज़्यादा टाइम रखें, 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद फ्राई करें। मछली को मैरिनेट हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे करेंगे फ्राई। मैंने फ्राई में ऑयल गर्म कर लिया, इसी के अंदर ही मैं जो मछली फ्राई करती हूँ तो इसके अंदर ही रह जाता है, फिर इस तरह ऑयल ज़ाया भी नहीं होता और इसमें हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी मछली फ्राई कर सकते हैं। आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगाऊंगी, सिंपल बस इसको इसके अंदर डाल दूंगी। तीन पीस मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। अब इसे 2 मिनट एक साइड पकने दूंगी और उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमने चम्मच की मदद से इसको साइड चेंज करना है और तकरीबन नीचे वाली साइड को भी हम 2 मिनट पकाएंगे। फिश को हल्का सा मैं दबाऊंगी इस तरह, तो उसमें अगर कोई पानी या कच्चा मसाला रह गया तो वो फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से, और बस इसे हम गोल्डन होने तक पकाएंगे। फ़िश फ्राई हो चुकी है, बड़ी अच्छा इसका कलर आ गया। इसी तरह हम सारी फ़िश को फ्राई कर लेंगे। पकौड़ा फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।